बेगूसराय में पुलिस का इकबाल खत्म, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक वार्ड पार्षद को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र की आनंदपुर की है। बताया जा रहा है कि आनंदपुर वार्ड संख्या 26 के वार्ड पार्षद परमानंद सिंह जिस वक्त किसी कारणवश कोर्ट के लिए जा रहे थे, उसी वक्त घात लगाई बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोली मार दी। आनंद फालन में लोगों के द्वारा उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां अभी तक उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। गौरतलब है कि 6 माह पूर्व भी परमानंद सिंह के पुत्र इंद्रजीत पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। पूरे मामले में जमीनी विवाद की वजह से घटना को अंजाम देने की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। हम लोग मार्केट से गए, हमको मार्केट में बुलाए थे कचहरी, हम गए कचहरी, हमको साइन करने के लिए बोले एक जगह, उसका हम उसमें साइन करके हम लोगों ने घर दे हमारे घर के बाद आधा घंटा बाद ये भी घर है, पापा भी घर चला है, और फिर मोटरसाइकिल लगा के ही पैदल ही जहाँ उस गोला गोली दिशा है उसी जगह उधर गए थे। वहीं पर घटना घटा हुआ, जो पूर्व हमारे साथ घटना घटी थी 6 महीना पहले, वहीं हम किशोर सिंह के द्वारा आकर घटना किया। आज गोली फिर चलाया, कितना गोली मिला? एक ही गोली, सीना में है एक ही गोली। अरे जमीन विवाद था पहले से, हम पे भी गोली चला था 6 महीना पहले, वही चलाया था। और गांव आ गया है, गाँव मोटामोटी 5-6 दिन से गाँव में है, एक सप्ताह से पुलिस भी नहीं बता सकते हैं। वो तो क्या नाम है उनका? परमानंद सिंह, वार्ड पार्षद 26। अभी क्या स्थिति है डॉक्टर बताएं? अभी डॉक्टर साहब बोले हैं कि गोली लगा हुआ है, गोली जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक गोली पता नहीं चलेगा गोली कहाँ है। एक्सपायर बुक लगा दिए हैं, काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब।